हेलो दोस्तों, मैं अरहम कॉलेज की तरफ से आपकी हिंदी टीचर कनु शेरवानी आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक योग भारती का जो पाठ हमने कल आधा पढ़ा था वृंद के दोहे, उसे पूरा करेंगे, स्वाध्याय समझेंगे। पाठ शुरू करने के पहले हम कल जो हमने दोहे पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो पहला दोहा था उसने हमें ज्ञान का महत्व दिया कि ज्ञान खर्चने से बढ़ता है, उसका आदान प्रदान करने से बढ़ता है। दूसरे दोहे में क्या था कि आँखें हमारे हृदय का आईना होती है, कि जो भी हम अपने आँखों में अच्छा या बुरा अपने मन में अपने हृदय में महसूस करते हैं हमारी आँखें वह कह देती हैं। तीसरे दोहे में मनुष्य को, व्यक्ति को अपनी क्षमता से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, जितनी उसकी हैसियत है उतना ही काम करना चाहिए। चौथा जो दोहा था वह व्यापार के नियम बता रहा था कि अगर आप एक बार व्यापार में किसी के साथ धोखा कर लेते हैं तो अगली बार वह आपसे कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा। पांचवा था, ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, उसमें उस ऊंचे पद पर बैठने के गुण होना आवश्यक है। और उसके बाद का जो दोहा था वह यह था कि दूसरे के भरोसे अपना व्यवसाय या कार्य पूरा करने का कभी ना सोचिए, क्योंकि अगर स्वयं की मेहनत नहीं की तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। आखिरी जो हमने कल दोहा समझा था, दुष्ट व्यक्ति नीच व्यक्ति से न दोस्ती भली न उससे दुश्मनी भली। आज की कक्षा हम शुरू करते हैं, उसके पहले दोहे देख लेते हैं। हम आखिरी चार दोहे आज करेंगे, जो उसमें से पहला दोहा है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होत है बहान। देखिए, जो पावे अति उच्च पद, अगर किसी को कोई बहुत ऊंचा पद मिल गया है, ताको पतन निदान, उसका तो पतन निश्चित है। आपने ये सुना होगा ना, व्हाट गोज अप कम्स डाउन, कोई गेंद ऊपर हवा में उछालिए वो नीचे आएगी ही। उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य को ऊंचा पद मिल जाता है तो उसका तो नीचे आना तय है। जो जो तपी तपी मध्याह्न लो, जैसे दिन दोपहर के समय तप तप के सूरज, तमतमा तमतमा के सूरज अस्त होतु है भान, शाम तक सूरज, भान मतलब सूरज, अस्त हो जाता है मतलब वह ढल जाता है जब दिन पूरा हो जाता है। अब इसके कठिन शब्द देख लीजिए, पावे पाए अति बहुत या अत्यंत, कहते हैं ना आपने तो अति कर दी है, हद कर दी है, पद उपाधि ताको उसको, पतन नीचे गिरना, पतन होना मतलब नीचे गिरना है, निदान स्वभाव, जो 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 का जैसे, तपे तपा या गरम, मध्याह्न दोपहर को मध्याह्न बोलते हैं संस्कृत में, लौ तमतमाना अस्त हो जाना ढल जाना, होतु होता भान सूरज। अब इसका हम ये देख लेते हैं भावार्थ। वृंद जी कहते हैं, कवि वृंद कहते हैं कि जो मनुष्य अधिक ऊंचे पद पर या स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात जो जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसका एक न एक दिन नीचे आना बहुत स्वाभाविक है, मतलब ऐसा तो जरूर ही होगा। जिस प्रकार सूर्य दोपहर में अपनी पूरी क्षमता से तमतमाता है, एक अग्नि की लौ की तरह तपता है, परंतु सांझ आ जाने पर वह ढल जाता है, अस्त हो जाता है, यही प्रकृति का नियम है। जो ऊपर जाता है वह नीचे अवश्य ही आता है। अगला पद देखते हैं, जो जाको गुण जा नहीं सो तिहे आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निबोरी लेत। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात बोली है कवि वृंद ने कि जो जिसका गुण जान लेता है वो उसको उतना ही आदर देता है, जो जिसकी जितनी क्षमता जान लेता है, उसकी विशेषताएं पहचान लेता है,
वह उसे उतना ही आदर देता है। जैसे कोकिल मतलब कोयल, कोयल अगर क्योंकि उसकी मधुर वाणी है तो वह क्या लेती है, आम, मीठा आम ही खाती है। पर काग मतलब कौआ, उसकी आवाज इतनी कर्कश है, उसकी आवाज इतनी कड़वी तीखी है, तो वह नीम के पेड़ के फल जिसे हम निबोरी कहते हैं वही वह खाता है। इसके कठिन शब्द समझिए, जो जो, जाको जिसका, गुण विशेषता जिसे हम गुण कहते हैं, जान ही जानता, सो वह, तेह उसको, देत देगा, कोकिल कोयल, अम्बही आम, लेत लेता है या खाता है, काग कौआ, निबोरी नीम का फल या नीम की निबोरी जिसे बोलते हैं, लेत खाता है या लेता है। आवाज देख लेते हैं, कवि वृंद कहते हैं, जिसके पास जितने गुण होते हैं उस मनुष्य को उतना ही आदर प्राप्त होता है। अर्थात जो जिस चीज के गुणों को जानता है वह उसी गुणों का आदर सम्मान करता है। जैसे अगर आपने मिठास है तो आप मीठे अच्छे सरल मनुष्यों की तरफ ही आकर्षित होंगे, और किसी का अगर स्वभाव कपटी है तो वह कपटी लोगों से ही आकर्षित होता है, उन्हीं से दोस्ती करने की सोचता है। ये बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक फ्लॉक टुगेदर, वो साथ में ही रहते हैं। जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल को आम, कोयल जो है वो मीठा सुर है उसका, तो वह आम, मीठे आम का चयन करती है, और कर्कश आवाज वाला कौआ नीम के फल का चयन करता है। मनुष्य अपने स्वभाव अपने गुण के अनुसार ही व्यक्ति एवं वस्तु का चयन करता है। अगला देख लेते हैं हम, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूक मूरख हाथ। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, आप अगर अपना काम विवेकहीनता बुद्धिहीनता मूर्खता के साथ करते हैं, अगर आपको कोई कार्य दिया गया है और वो आप बिल्कुल समझदारी से नहीं करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। जैसे मूर्ख व्यक्ति जिस डाल पर बैठा होता है उसी डाल को काटता है। देखिए अगर आप कोई भी काम बिना समझदारी करते हैं तो हानि किसे भोगनी पड़ेगी, हानि हमें स्वयं को भोगनी पड़ेगी जो ये गलत काम करता है। तो पाए कुल्हाड़ी आपने का मतलब है पांव पर अपने ही कुल्हाड़ी मारता है, कौन, जिस मूर्ख का हाथ होता है, उसे ये समझ नहीं आता कि मेरा पांव है, मुझे इसको कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। उसी तरह बुद्धिहीन व्यक्ति अपने निर्णय लेता है। कठिन शब्द देखिए, अकारज कार्य आपनो अपना, करत करना, कुबुद अविवेक या मूर्खता बुद्धि जिसकी कु हो। देखिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा, जहां भी शब्द सु से शुरू होता है तो वह आपको सकारात्मक या पॉजिटिव शब्द बनाता है। जैसे सपूत मतलब अच्छा पुत्र, कुपूत कपूत मतलब वह बच्चा जो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, जो अपने खानदान का नाम डुबाएगा। यहाँ पर है कुबुद मतलब अविवेक मूर्ख जिसके पास बुद्धि, और यही होता सुबुद्धि मतलब जिसके पास पॉजिटिवली लेते हैं बुद्धि है। अगला शब्द देखिए, पाए पैर आपने अपने मारत मारता है मूर्ख मूर्ख व्यक्ति। आवाज समझते हैं, कवि वृंद इस दोहे में अविवेकी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि ना समझी
या अविवेक से किया गया कर्म या काम स्वयं के लिए ही नुकसानदायी अर्थात हानिकारक होता है। अगर नासमझ व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो नासमझी से किया है तो उसका जो हानि या उसका जो फल मिलेगा वह नुकसानदायी होगा। जिस प्रकार कोई नासमझ या मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता से कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है, वह यह नहीं देखता कि पांव भी उसका ही है और कुल्हाड़ी भी वह अपने ही हाथ से मार रहा है। अगला देखिए, कुल कपूत जानयो परे लखित शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवन के होत चीकने पात। कुल कपूत जानयो परे, जैसे ही कोई कपूत बुरा मतलब बच्चा जो अच्छा नहीं होता, पैदा होते ही खानदान में पता पड़ जाता है कैसे, लखी शुभ लक्षण गात, उसके लक्षण देखकर शुभ लक्षण रहे तो तुरंत पता पड़ जाएगा कि वह सपूत है, पर अगर उसके लक्षण बुरे रहे तो पता पड़ जाएगा कि वो कपूत है। होनहार बिरवान के होत चीकने पास, जो होनहार होते हैं ना बीज, जो उत्तम बीज होता है वह कैसे पता पड़ जाता है, वो जब उगता है तो पत्ते जो उगते हैं वो बड़े स्वस्थ और चिकने होते हैं। ये एक मुहावरा ही बन चुका है, होनहार बिरवान के होत चीकने पास, जो बालक देखकर ही बचपन में पता पड़ जाता है कि उसमें कुछ बात है, वह कुछ होनहार है, उसमें कुछ करने की क्षमता है, तो हम उस बालक के लिए यह मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कठिन शब्द समझते हैं। कुल खानदान, कपूत नालायक बच्चा, जानयो जान जानना, परे पड़े, लखी देखकर, शुभ शुभ लक्षण लक्षण, बिरवान बीज या पौधे को बोलते हैं, होत होते, चिकने स्वस्थ या चिकने, पात पत्ते, और गात शरीर होता है। इसका भावार्थ समझिए। वृंद जी इस दोहे में पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उस बच्चे के अच्छे बुरे स्वभाव का पता चल जाता है, ऐसा कहते हैं। कवि कहते हैं कि बालक के चरित्र तथा स्वभाव के गुण अवगुण बचपन में ही दिख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बालक के गुण और अवगुण दिख जाते हैं जिस प्रकार उत्तम बीज के पौधे का अनुमान कि पौधे को देखकर ही पता पड़ जाता है कि उसका बीज कैसा होगा। उत्तम बीज के पौधे का अनुमान उसके स्वस्थ चिकने व चमकदार पत्तों को देखकर लग जाता है। आज ये सारे दोहे खत्म हो गए हैं, अब हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। देखिए स्वाध्याय है पेज नंबर 29 पे। सबसे पहले कारण लिखिए है, उसमें सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। कारण लिखिए, सरस्वती के भंडार को अपूर्व क्यों कहा गया है, अपूर्व मतलब जिसका पार नहीं पा सके, अनोखा, क्योंकि इसमें खर्च करने पर बढ़ता है। तो सरस्वती का भंडार क्या है, ज्ञान, और ज्ञान कैसा है, यह खर्च करने पर तो पड़ता है। वैसे आप कोई चीज खर्च कर दें तो वो चीज आपकी खत्म हो जाती है, आपके पास पैसा है आपने उसे खर्च कर दिया तो वो खत्म हो जाता है, पर यहाँ पर कितनी बढ़िया बात है कि सरस्वती का जो भंडार है वो अपूर्व है, क्योंकि इसे खर्च करेंगे तो ये बढ़ेगा और खर्च न करने पर यह घट जाता है। अर्थात आदान आदान प्रदान करते रहेंगे, अगर उसे बांटते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। दूसरा देखिए, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है।
यह आपको दोहा अच्छे से समझाया था। देखिए, विश्वास और निष्ठा अगर एक बार टूट जाए तो उसे फिर से प्राप्त करना संभव नहीं। तो अगर आपने किसी के साथ व्यापार किया और उसमें छल कपट किया, इसका मतलब है कि आपने उसका विश्वास तोड़ दिया, उस दूसरी बार वह विश्वास प्राप्त करना असंभव है। सह संबंध जोड़िए, यहाँ पर आपको अ और ब दो दिए हुए हैं, आपको जोड़ के लिखना है। ऊंचे बैठे ना लहे गुण दिन बड़पन कोई, और इस साइड लिखा है काग निबोरी ले, ये गलत है। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। दूसरा है कोकिल अम्ब ही लेते हैं काग निबोरी लेट। अगला देख लेते हैं, शब्द संपदा है। शब्द संपदा में आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अब विलोम शब्द थोड़े छोटे अक्षरों में समझ लेते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अच्छा का उल्टा है विपरीत शब्द है बुरा, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे। इसी प्रकार सुख का दुख, अमीर का गरीब। तो यही विलोम शब्द हमें यहाँ देखना है। आदर का निरादर, किसी का सम्मान करना और किसी का सम्मान न करना, या अनादर करना या निरादर करना। कपूत अच्छा पुत्र, और कपूत खराब पुत्र, सपूत अच्छा पुत्र। अस्त सूरज का ढलना, उदय सूरज का निकलना। पतन किसी का गर्त में गिरना, नीचे गिरना। उत्थान किसी का नीचे से ऊपर की तरफ चलना। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न है यहाँ पर, यह आपको अभिव्यक्ति करनी है। स्वाध्याय है, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, हमारे पास जितना है अगर हम उसी में ही निर्वाह कर लेते हैं, उसी में ही गुजर बसर कर लेते हैं तो समझदारी है। अगर हमारा खर्च है 10 रुपया और हम कमाते हैं 5 रुपए, तो आप सोचिए हमें बाकी का 5 कहाँ से लेना पड़ेगा, किसी से जाकर मांगना पड़ेगा। और याद रखिए, मांगना तो बहुत अच्छा लगता है पर जब उसे लौटाना पड़ता है तब बहुत दर्द होता है। तो इसलिए चादर जितनी हमारी है उतना ही पैर फैलाना बुद्धिमानी है। मैं आपको इसके पॉइंटर्स दे देती हूँ। अपनी हैसियत और क्षमता के अनुसार ही कार्य कीजिए, बिना सोचे समझे कार्य से स्वयं को भी हानि होती है और सामने वाले से भी हानि होती है। आप किसी से पैसा मांगेंगे लौटा ना सकेंगे तो दोनों ही पक्षों को तकलीफ होगी। आमदनी कम और खर्च अधिक परेशानी का सबब है। अगर आपकी आमदनी कम है और खर्च आपके उससे अधिक है तो यह भी परेशानी का कारण बन सकता है, और आपको कर्ज लेकर जीवन गुजर करना पड़ेगा, जीवन यापन करना पड़ेगा। तो जितनी क्षमता है ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ज्ञान की पूंजी हम वृंद जी के दोहे पढ़कर ही समझ सकते हैं कैसे पूंजी बढ़ती है। ज्ञान एक खजाना है, और ये कैसे बढ़ता है? जब आप अपना ज्ञान किसी के साथ बांटते हैं तो यह बढ़ता है। अगर यह आप खर्च नहीं करते, अपने तक ही सीमित रखते हैं तो यह घटता है। तो ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मैं इस विचार से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इसे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान उचित अनुचित अच्छे बुरे का बोध कराता है। अज्ञानी व्यक्ति को तो कुछ समझ ही नहीं होती है, वह तो अपने काम बिना सोचे समझे करता है। ज्ञान की पूंजी न कोई चोरी कर सकता है न कोई छीन सकता है, इसे आप खुद किसी को देंगे तभी यह बढ़ती है। और जब आपको ज्ञान आ जाता है तो इससे आपके अंदर के विकार और विसंगतियां भी नष्ट होती हैं। विकार मतलब बुरे विचार, बुरी आदतें, बुरी संगति अपने आप नष्ट हो जाती है। और ज्ञान सबसे बड़ी बात आदान प्रदान से ही बढ़ता है। तो यह ज्ञान की पूंजी बढ़ाना तो सबसे आसान है, इसे बांटते जाइए, बढ़ती जाएगी।
अगला प्रश्न आपको रसास्वादन के लिए दिया गया है, जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहे का रसास्वादन कीजिए। देखिए, जितने भी आपने दोहे अब तक पढ़े, सारे के सारे जीवन के अनुभवों से और वास्तविकता से आपको परिचित कराने वाले हैं, तो यह दोहे पढ़िए और इसका मंथन कीजिए, इसे समझिए। अगला देख लेते हैं, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वृंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सत सई तथा यमक सत सई, ये दोनों प्रमुख रचनाएं हैं। अब दोहा और छंद की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, जब हमने पाठ शुरुआत में ही पढ़ा था, जो हमारी विधि थी, विधि परिचय, वही छंद और दोहा की बात थी, तो वही हम वहां से लिखेंगे। दोहा छंद की यह विशेषताएं हैं, दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, इसके चार चरण होते हैं, प्रथम व द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार यह आपके दोहा छंद की विशेषताएं हुई हैं और आपका यह पाठ यहाँ समाप्त। अब ये अलंकार पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 30 पर। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। 11वीं की कक्षा में आप शब्द अलंकार का अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए शब्द अलंकार एक बार समझा देती हूँ। शब्द अलंकार जहाँ विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। जैसे देखिए, कुछ शब्द हम बार बार उनकी आवृत्ति करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि काव्य की सौंदर्य में वृद्धि हो। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल वाला समझा देती हूँ। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इसमें च शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। इसी का और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो चारू में भी च आया, चंद्र में भी च आया, चंचल में भी च आया, तो च वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब बार बार वह वर्ण यूज किया है, इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, ताकि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो। और एक उदाहरण यहाँ देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, तो विमल वाणी मतलब सरस्वती देवी के लिए कहा गया है, तो विमल वाणी ने वीणा ली, वह वर्ण की पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति, रिपीटेशन हुआ है। ये होता है शब्द अलंकार। अब यह जब शब्दों से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है तो शब्द अलंकार बनता है। जब अब आप अर्थालंकार समझिए, अर्थालंकार में काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। देखिए, शब्दालंकार में शब्द की के कारण काव्य में सौंदर्य आया, यहाँ पे शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य आया। उसका एक हम एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। उसके पहले हमें अर्थालंकार समझने के पहले 2 बहुत जरूरी चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली है उपमेय, दूसरा है उपमान। उपमेय वह व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन किया जाता है, उसे उपमेय कहा जाता है। उपमान जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है। वह व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन किया जाता है और जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, उसे उपमान बोला जाता है। जिसके साथ उसको उपमेय की समानता बताई जाती है। आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ।
चांद सा सुंदर मुख। तो जो चांद है वह क्या है? उपमान। मुख क्या है? उपमेय। तो जिसकी बात की गई है वह है मुख, और जिसके साथ उसकी समानता बताई गई है चांद। चांद सा सुंदर मुख। अब आप जब उपमेय और उपमान दोनों समझ चुके हैं तो अब आपके लिए अलंकार के भेद समझना आसान है। देखिए अलंकार के 5 यहाँ पर भेद बताए गए हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और दृष्टांत। पर आपके पाठ में यहाँ सिर्फ रूपक और उपमा को समझाया गया है तो हम उतना ही समझेंगे। रूपक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर ही न दिखे। देखिए उपमेय और उपमान को इतना साथ रख दिया जाता है कि दोनों में अंतर ही नहीं पता चलता। नीचे उदाहरण दिखाती हूँ। उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। हृदय तल, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ। तो कल्पना क्यारियाँ इतना पास रख दिया गया है कि उपमेय उपमान एक हो गया है। कल्पना और क्यारियाँ, कल्पना इमेजिनेशन और क्यारियाँ जो पौधों की पूरी लाइनें लगी रहती हैं। अगला देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन धन इसे एक साथ रख दिया। चरण सरोज, कैसे चरण है? फूल के जैसे। सिंधु सेज, धरा वधु, ये सारे के सारे जो शब्द, ये जो अलंकार देखिए उपमेय उपमान को ऐसे साथ रखा गया है, सिंधु जैसी सेज, धरा कैसी? वधु जैसी। तो ये दोनों अभिन्न मालूम होते हैं, ये होता है रूपक अलंकार। दूसरा हमारा अलंकार है हम जो समझेंगे वह है उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में क्या है, जहाँ पर किसी एक वस्तु को की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप रंग गुण धर्म या आकार के आधार पर की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, हमने उपमा और उपमेय दोनों समझा है, उन दोनों की आपस में जहाँ भी तुलना की गई है वह उपमा अलंकार बन जाता है। देखिए जैसे चरण कमल सम कोमल, चरण कैसे हैं? कमल जैसे कोमल। राधा वंदन चंद सो सुंदर, राधा का कैसा है वंदन, राधा का वदन कैसा है? चंद जैसा सुंदर। सौ, सौ जो शब्द है मतलब समान। जीव बिनु देहु नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष पुरुष बिनु नारी। तैसे ही कैसे? जैसे कि पुरुष के बिना अनाथ है नारी। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबरसी, कैसी? कुबरसी। नंदन वंशी फूल उठे, कैसा फूल है? नंदन वंशा, छोटी सी कुटिया। मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों से ज्यादा सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पीपर पात सरस मंडोला, कैसे? पीपर पात के जैसा, सरस के जैसा। तो जहाँ पे भी से के जैसा जहाँ तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। तो ये दोनों अलंकार आज आपने समझे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आज की कक्षा यहीं तक।